सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। तो आईसीसी ने जारी कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2021 का कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर T20 वर्ल्ड कप 2021 किस तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और किस तारीख को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि कन्फर्म डेट आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे सभी टीमों के बारे में कि वो कौन कौन सी टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं T20 विश्व कप 2021 में, जब किसके फॉर्मेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि किस फॉर्मेट में किस तरह से और कैसे खेला जाएगा यह T20 वर्ल्ड कप 2021। साथ ही इसके कंफर्म वेन्यू के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कब और कहां पर खेले जाएंगे सभी मुकाबले। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरे विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और फॉलो कर लें, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, क्योंकि यहां पर भी लगातार क्रिकेट की हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सभी पेजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए या फिर आप सर्च करके लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्रिकेट रफी के नाम। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आईसीसी ने ऑफिशियल तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंफर्म डेट के बारे में। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर 2021 से T20 वर्ल्ड कप 2021 स्टार्ट हो जाएगा और इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 14 नवंबर 2021 को। अब अगर हम बात करें इसके वेन्यू के बारे में, तो T20 वर्ल्ड कप 2021 ओमान और UAE में होगा। जी हां, जो कि BCCI और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मिलकर यह बड़ा फैसला लिया है, जहां होस्टिंग राइट अभी भी BCCI के पास थी। जहां पहले सोच विचार किया जा रहा था कि भारत में ही T20 वर्ल्ड कप 2021 होगा, लेकिन COVID-19 की वजह से BCCI ने यह बड़ा फैसला लिया था कि भारत में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ICC ने यह बड़ा फैसला लिया है कि UAE और ओमान, इन दो देशों में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2021 के सभी मुकाबले। जहां आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में टोटल 16 बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इन सभी 16 टीमों के बीच टोटल 45 मुकाबले खेले जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले को लेकर। तो सभी टीमों के बारे में बात करने से पहले चलिए बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में कि कैसे और किस तरह से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2021। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसे आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं, जो कि टोटल 8 टीमों के बीच खेला जाएगा ग्रुप स्टेज के मुकाबले। इन 8 टीमों में से 4 टीम बाहर हो जाएंगी और 4 टीम क्वालिफाई कर जाएंगी इसके आगे होने वाले सुपर 12 के लिए, जो कि ग्रुप स्टेज के तुरंत बाद ही सुपर 12 खेला जाएगा। और सुपर 12 के लिए पहले ही 8 टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं और जो 4 टीम क्वालिफाई करेंगे ग्रुप स्टेज से सुपर 12 के लिए, तो 8 और प्लस 4 इन 12 टीमों के बीच खेला जाएगा सुपर 12 के मुकाबले। तो सुपर 12 के बाद खेले जाएंगे 2 सेमीफाइनल मुकाबले और 1 फाइनल का मुकाबला। तो कुछ इस तरह से हैं सभी 8 टीमें जो सबसे पहले ग्रुप स्टेज यानी कि क्वालिफायर के मुकाबले खेलने वाली हैं। तो नंबर 1 पर श्रीलंका, नंबर 2 पर बांग्लादेश, नंबर 3 पर नीदरलैंड्स, नंबर 4 पर पप्पू न्यूगिनी, नंबर 5 पर आयरलैंड, नंबर 6 पर नामीबिया, नंबर 7 पर स्कॉटलैंड और नंबर 8 पर ओमान की टीम है। तो ये 8 टीम खेलने वाली हैं ग्रुप स्टेज के मुकाबले, इनमें से 4 टीम बाहर हो जाएंगी, तो 4 टीम क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 12 के लिए। तो चलिए बात करते हैं सुपर 12 की सभी टीमों के बारे में। तो सुपर 12 के लिए पहले ही 8 टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं, कुछ इस तरह से हैं 8 टीमें। नंबर 1 पर टीम इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 इंग्लैंड, नंबर 5 साउथ अफ्रीका, नंबर 6 न्यूजीलैंड, नंबर 7 वेस्ट इंडीज, जबकि नंबर 8 पर अफगानिस्तान की टीम है। तो यह 8 टीम पहले ही सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जो कि 4 टीम ग्रुप स्टेज से आएंगी, तो 8 प्लस 4 इन 12 टीमों के बीच सुपर 12 के मुकाबले खेले जाएंगे। तो गाइस, ये सभी 16 टीमें जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन ओमान और UAE, इन दो देशों में, इन दो कंट्रियों में होगा। तो कैसे और किस तरह से हो पाएगा, तो आपको बता दें कि जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसे आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं, तो ग्रुप स्टेज के मुकाबले ओमान में खेले जाएंगे। उसके बाद जो मेन मैचेस हैं सुपर 12 से सभी मुकाबले UAE में खेले जाएंगे, जो कि सुपर 12 के सभी मुकाबले UAE में होंगे। उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस भी UAE में खेले जाएंगे। तो ओमान में सिर्फ ग्रुप स्टेज के ही मुकाबले खेले जाएंगे। तो गाइस, ये रही T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर सभी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।